ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। इंक्वायरी कर सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, ये मेरा विनती है। जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहाँ के सीएम है, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें। आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहाँ पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई के व्यक्ति को वहाँ पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है ये इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ दी जा रही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान हिंदुओं का एक पवित्र धार्मिक क्षेत्र है। तिरुमला लड्डू को बहुत पवित्र प्रसाद माना जाता है। ऐसे लड्डू को अपवित्र करना एक मूर्खता है, ये अक्षम अपराध है। इसका कारण है कि पिछले सरकार के समय में टीटीडी बोर्ड में स्थानीय मंडल टीटीडी बोर्ड का कमिटी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के समय में अन्य धर्मों के लोगों को और नास्तिकों को नियुक्त किया गया है, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है लोग, इसके कारण ऐसा घटना हुआ है। मैं एपी सरकार से मैं विनती करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर इंक्वायरी करना है और इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करना ही चाहिए, ये मेरा विनती है। ये बहुत दुखद बात है और सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और जो कांग्रेस सरकार है निश्चित रूप से हमारे सनातन धर्म को मिटने का कार्य करती आई। वो तो राम जी को भी नकार गई है, उसने तो कोर्ट में तक एविडेंस दी है कि राम है ही नहीं है, राम सेतु को उसने नकारा। तो ऐसी स्थिति में उससे आशा खैर क्या किया जा सकता है। लेकिन आप ये समझिए, सनातनियों को समझना चाहिए कि ये सरकारें हमारा कितना विनाश करने का कार्य करती हैं, हमारे लिए कितना दर्दनाक काम। जो एक हमारे आराध्य हैं बालाजी, तृप्ति बालाजी, मतलब आप समझ रहे हैं करोड़ों लोगों के आराध्य हैं और कितनी आस्था है लोगों की वहां पर जाकर, और उससे सरकारें चलती हैं उस मंदिर से, वहां की सरकार चल रही है उस मंदिर के चढ़ाई से। लेकिन आज जिस प्रकार से विधर्मियों को वहां पर बैठा दिया गया, जिस प्रकार से हिंदुओं से हाथ से छोड़ करके ईसाई को व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया है, तो ऐसी स्थिति में आशा क्या किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसको तत्काल जो है वहां से जो विधर्मी टाइप के लोग बैठे उनको हटाना चाहिए और कड़ी से कड़ी इनको सजा देना चाहिए। भारत सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार से सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ न किया जाए, अन्यथा अखिल भारतीय संस्कृति व्यास संघ सारे संगठन हिंदू सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये जो मंदिर है जो सरकार के अधीन है, इसको कहीं ना कहीं साधुओं और संतों के हाथ में ही रहना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, इस बात को लेकर के कई बार अखिल भारतीय संस्कृति ने उठा चुके हैं इस बात को लेकर के और ज्ञापन भी दे चुके हैं कि जिस प्रकार से मठ मंदिर में साधु संत संचालन कर सकता है मठ मंदिरों को, उस प्रकार से सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध की विशेषता देखी जाती है और हम लोग शुद्ध अशुद्धता को कितने बजे उठना है, कितने बजे जगना है, कितने बजे भगवान को सुलाना है, नहलाना है, कैसे क्या करना, शुद्ध अशुद्ध की सारी प्रक्रिया साधु संत अपने ढंग से करते हैं पूजा पाठ। और इस बात को गवर्नमेंट को क्या पता है कि भगवान को कब सुलाना है, कब जगाना है, कब क्या करना है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से लालच में आकर के सरकार मठ मंदिरों को कब्जा करके अपना उस पर आधिपत्य जमाए हुए है, उसको तत्काल खारिज करे और मठ मंदिरों को जो है साधु संतों के हाथ में सौंपे। लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे ऐसे, तो ये लड़ाई कब तक चलेगी और क्या इसका? देखिए, इसकी अब लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं को बॉलीवुड के माध्यम से अपमान किया जाता है, ब्राह्मणों को अपमान किया जाता है, संतों को अपमान किया जाता है, जो सीरीज बनती हैं आप देख रहे हैं, चाहे आश्रम बनी है और चाहे ओ माय गॉड बनी हो, चाहे अस्सी हो, इस सारी चीजों को देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि ये लोग सनातन धर्म को गिराने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को पहले चाहिए कि अगर यही चीज होती रही तो अब, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, अब और सहन नहीं कर पाएगा और इसका परिणाम भारी होगा। सीएम चंद्रबाबू नायडू द्वारा जो खुलासा किया गया,
ये बहुत ही गंभीर है, चिंताजनक है, अफसोसजनक है। नायडू साहब ने जब कहा कि पिछली सरकार YSR कांग्रेस की सरकार के शासनकाल के दौरान तिरुपति बालाजी के मंदिर में चढ़ावे के लिए जो लड्डू बनता था वो जानवरों की चर्बी से बनता था, निसंदेह लज्जास्पद है, घृणा जितनी की जाए वो कम है। और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा नायडू साहब से भी, क्योंकि वो वहां के सीएम हैं, इस बात का निष्पक्ष जांच वो कराएं, जांच करा करके दोषियों को तुरंत कारागार में डालें, क्योंकि इस तरह का काम सनातन के विरोध में किया जाने वाला काम हम सनातनियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और देश में ये दंगा भड़काने की व्यवस्था हो सकती है पूरे देश में, क्योंकि पूरा देश उद्वेलित हो रहा है इस बात को सुनकर कि उसके प्रसाद में जानवरों की चर्बी चढ़ाई जा रही थी। तो ये कितनी लज्जाजनक बात है हम सनातनियों के लिए, पूरे देश के लिए, ये उचित नहीं है। ये सनातन ये कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ऐसे चीजों को लेकर कब तक ये सामना करना पड़ेगा? जहां तक मैं समझता हूं सन 1000 से लगातार 1000 वर्ष 1947 तक हम सनातनी अपने ही देश में अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राजगद्दी को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और ये संघर्ष 1947 में जाकर के खत्म हो जाना चाहिए था जब भारत आजाद हुआ, लेकिन हम सनातनी हिंदुओं को धोखा दिया गया 1947 में भी। 1947 में भारत वर्ष की भूमि का 33% मुसलमानों को दे दिया गया एक सभ्यता के नाम पे, क्योंकि ये सभ्यता हमारी सनातन सभ्यता से मेल नहीं खाती है। लेकिन धोखा हमारे साथ क्या होता है, आप स्पष्ट देखिए कि जो 33% भूमि भारत की दी गई वो मुसलमान भी भारत में रहेंगे, जो 200 वर्ष जिन्होंने शासन किया ईसाइयत ने वो ईसाई भी भारत में रहेंगे, ये भारत वर्ष पूरा हमारा नहीं है। कितना बड़ा धोखा हम सनातनियों को मिला कि हम अपने देश को आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। 47 के बाद आज हम पुनः अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ सरकारें सेकुलर हो गईं और इस सेकुलर सरकारों ने हम सनातनियों का बेड़ा गर्क कर दिया है और हर तरह से हमारे मठ मंदिरों पर कब्जा कर लिया गया, वो सरकार चला रही है। जब सरकार हम चुनते हैं तो सरकार को सरकार चलाने के लिए चुनते हैं, देश को चलाने के लिए चुनते हैं, न कि मठ मंदिरों को चलाने के लिए। इसलिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करूंगा कि अविलंब हमारे मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए, जो हमारा सनातन समाज चलाएगा इसमें विधर्मियों का प्रवेश वर्जित होगा।